अगर आप समुंदर देखना चाहते हैं, अगर आपका बजट नहीं है, तो आप जा सकते हैं फतेह सागर झील जो कि उदयपुर में। तो मैं आज आपको वही दिखाऊंगा कि कैसा है वहां पे। जैसा कि आपने देखा मेरी पिछली वीडियो में, मैंने दिखाया था आपको सहेलियों की बाड़ी जो कि उदयपुर में काफ़ी फेमस है। तो मैं आज फिर से आपको उसी जगह ले जाता हूँ, उदयपुर के फतेह सागर झील पे, जो बहुत ही बढ़िया अच्छी वाइब देगी, आपको समुद्र वाली फीलिंग देगी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग्स वाई एजे में। तो वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि सामने था बहुत ज़्यादा पानी और सामने थी पहाड़ियाँ, तो बिल्कुल एक समुद्र वाली वाइब आ रही थी, बहुत ही अच्छा लगा। अगर यहाँ आप बोटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, काफ़ी लो प्राइस में और काफ़ी अच्छा आपको बोटिंग एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पर। तो झील को घूमने के बाद हमें लगाई थी भूख, फिर हमने खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट देखा अच्छा सा, और वहाँ पर फिर मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया। तो खाने मिले चार डोसे, तो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी टेस्टी खाना था। तो वहाँ पर ऐसे रेस्टोरेंट बने हैं कि आप खाना खाते हुए भी आप झील को देख सकते हैं, वहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी वाइब आएगी आपको, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब मिलेगी। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. तो मैं जिस दिन गया था वो था वीकेंड। वीकेंड को काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि लोगों की छुट्टियां रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और काफ़ी सारे लोग यहां पर देखने आते हैं क्योंकि यहां की जो वाइब है वो भी बहुत ही अच्छी है। तो मैंने सोचा क्यों ना झील को रात में भी देखा जाए, तो मैं इसलिए वहाँ पर रुका और मैंने रात में भी झील का व्यू देखा, वो भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छी फ़ोटो आ रही थी। तो देखिए पानी भी कितना अच्छा लग रहा है मेरे पीछे बैकग्राउंड में, तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉय किया। अगर आप भी उदयपुर जाएँ तो ये फतेह सागर झील ज़रूर घूमें।